हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऋतुज नोट्स। आज हम हमारे वीडियो में 18th सेंचुरी के पोइट सैमुअल जॉनसन के एक वर्क लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस वर्क में इन्होंने 52 पोइट्स के बायोग्राफी लिखे हैं। उतना इस वीडियो में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, बट आपको मेरे आंसर्स के थ्रू कुछ की पॉइंट्स मिल जाएंगे जो आप अपने एग्जाम्स में लिख सकते हो। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। ये उन 52 पोइट्स के नेम्स हैं जिनके बारे में ये बायोग्राफी लिखी गई है। Lives of the Most Eminent English Poets by Samuel Johnson. Samuel Johnson was a English literary figure of the mid and late 18th century. 18th century के ये एक बहुत ही famous writer थे। He was a poet, वो एक poet थे, a translator, a journalist, an essayist, a biographer, an editor and a critic. वो ये सारे ही चीज़ थे। He is often called Dr. Johnson. वो Dr. Johnson के नाम से भी बहुत famous हैं। Lives of the Most Eminent English Poets. Lives of the Most Eminent English Poets, also known by the shorter title Lives of the Poets. ये इसका पूरा टाइटल है Lives of the Most Eminent English Poets, पर ये एक शॉर्ट टाइटल से भी जाना जाता है जो कि है Lives of the Poets. Is a work by Samuel Johnson comprising the short biographies and critical appraisals of 52 poets. ये इसमें इन्होंने 52 poets के बारे में short biographies लिखी हैं, मोस्ट ऑफ होम लिव ड्यूरिंग 18th सेंचुरी, जिनमें से बहुत सारे पोइट्स पूरी 18th सेंचुरी जिए थे। दी लाइव्स आर ऑर्डर क्रोनोलॉजिकली बाय डेट ऑफ डेथ, नॉट बर्थ। और सबसे खास बात इस वर्क की यही है कि डेट ऑफ बर्थ के नहीं बल्कि डेट ऑफ डेथ यानी क्रोनोलॉजिकली अरेंज किया गया था इस वर्क को। 6 of the lives have been singled out as the most important. इनमें से 6 बायोग्राफीज ऐसी हैं जिन्हें बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है। वो किनकी हैं? दे आर जॉन मिल्टन, जॉन ड्राइडन, एलेक्जेंडर पोप, जोसेफ एडिसन, जोनाथन स्विफ्ट और थॉमस ग्रे। अब हम बैकग्राउंड देखेंगे कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, कैसे जॉनसन इस बायोग्राफीज को लिखना शुरू किए। Johnson began writing his lives and individual biographical pieces in 1740. 1740 से इन्होंने biographical works लिखना शुरू किया था। His first lives were of, उन्होंने जो पहली biographies लिखी थी वो किनकी थी? जेन फिलिप बराटियर, रॉबर्ट ब्लेक एंड फ्रांसिस ड्रेक, इनकी लिखी हुई थी पहले। In 1744 में he wrote the first serious life, the lives ऑफ मिस्टर रिचर्ड सेवेज। तो ये द लाइफ ऑफ मिस्टर रिचर्ड सेवेज, ये इन्होंने पहली सीरियस जो है बायोग्राफी लिखी थी इन ऑनर ऑफ हिज फ्रेंड रिचर्ड सेवेज जो कि इनके फ्रेंड थे, उन पर आधारित इन्होंने लिखी थी। बिटवीन 1737 एंड 1739 जॉनसन बिकेम क्लोज टू सेवेज। इस ईयर के बीच में जॉनसन जो है रिचर्ड सेवेज के बहुत क्लोज हो गए थे। इन 1743 सेवेज फाउंड हिमसेल्फ इन डेटर्स प्रिजन एंड स्टेड अंटिल हिज डेथ देयर। तो इन्होंने कुछ कर्ज लिया होगा तो इन्हें जेल में डाल दिया गया था। तो 1743 में ये जेल में थे और वो तब तक जेल में रहे जब तक वो गुजर नहीं गए। अ ईयर लेटर जॉनसन रोट लाइफ ऑफ सेवेज इन 1744। 1744 में उनके एक साल के मरने के बाद जॉनसन ने जो है इनमें बायोग्राफी लिखी थी। द लंडन पब्लिशर्स, कुछ लंडन पब्लिशर्स थे जिनके नाम थे टॉम डेविस, विलियम स्ट्राहन एंड थॉमस कार्डेल, अप्रोच जॉनसन टू क्रिएट अ मेजर वर्क। इन्होंने जो है जॉनसन को एक मेजर वर्क यानी कि ये द लाइव्स ऑफ द पोइट्स लिखने के लिए अप्रोच किया। द लाइव्स ऑफ द इंग्लिश पोइट्स, जॉनसन आस्क्ड फॉर 200 गिनीज। जॉनसन ने इस वर्क को लिखने के लिए 200 गिनीज डिमांड किए। एन अमाउंट सिग्निफिकेंटली लोअर देन द प्राइस ही कुड हैव डिमांडेड। जबकि जो हिसाब से इनको ये काम दिया गया था 52 पोइट्स के बारे में लिखने का, उस हिसाब से ये बहुत ही कम अमाउंट था। जॉनसन्स प्रीफेस अलोन फिल्ड द फर्स्ट 10 वॉल्यूम्स, और इसमें टोटल 66 वॉल्यूम है जिसमें से सिर्फ 10 वॉल्यूम्स इन्होंने प्रीफेस ही लिखी हैं। एंड द पोइट्री ग्रू टू 56 वॉल्यूम्स, और बाकी के 56 वॉल्यूम्स में इन्होंने बायोग्राफीज लिखी हैं। द लाइव्स आर ऑर्डर क्रोनोलॉजिकली बाय डेट ऑफ डेथ। डेट ऑफ डेथ के द्वारा इस वर्क को क्रोनोलॉजिकली अरेंज किया गया है। अमंग द मेजर लाइव्स आर दोज ऑफ, और इसमें कुछ मेजर लाइव्स हैं, मेजर बायोग्राफीज हैं जो कि इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। वो किनके हैं? एब्राहम कॉली, जॉन मिल्टन, जॉन ड्राइडन, जोसेफ एडिसन एंड अलेक्जेंडर पोप, इनके बायोग्राफीज बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। जॉनसन्स पर्सनल डिसलाइक ऑफ सम ऑफ द पोइट्स हुज लाइफ से ही रोट, कुछ ऐसे भी इनमें बायोग्राफीज लिखे हैं जॉनसन ने उनके बारे में जिनको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, और वो कौन थे? जॉन मिल्टन एंड थॉमस ग्रे। हैज़ बीन यूज्ड एज अ बेसिस फॉर आर्गुइंग दैट ही वॉज प्रिजुडाइज अगेंस्ट देयर पोइट्री। तो जॉनसन इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और बायोग्राफी लिखने के दौरान इन्होंने इनके बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें भी लिखी थी उसमें। जॉनसन वॉज प्राउड ऑफ द लाइफ ऑफ कॉली। तो लाइफ ऑफ कॉली जो बायोग्राफी अब्राहम कॉली के बारे में लिखी गई थी उनमें जॉनसन बहुत ही प्राउड फील कर रहे थे, स्पेशली ऑफ इट्स लेंदी डिस्कशन ऑफ द 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी के वो थे और बहुत ही लेंदी मतलब एक लंबा बायोग्राफी उनका बन गया था। मेटाफिजिकल पोइट्स भी इनमें डिस्कस किया गया था, फॉर होम कॉली मे बी कंसिडर्ड द लास्ट रिप्रेजेंटेटिव। और जॉनसन ने उनकी तारीफ में लास्ट रिप्रेजेंटेटिव भी कहा था कि वो लास्ट रिप्रेजेंटेटिव थे। द लाइफ ऑफ पोप इज़ एट वंस द लॉन्गेस्ट एंड बेस्ट। और लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर पोप भी जो है वो बहुत ही लेंदी था और बहुत ही बेस्ट माना जाता है। पोप्स लाइफ एंड कैरियर वेर फ्रेश इनफ एंड पब्लिक इनफ टू प्रोवाइड बायोग्राफिकल मटेरियल। तो पोप जो है उस टाइम पे बहुत ही फेमस थे और वो पब्लिकली भी बहुत एक्टिव थे, जिनकी वजह से बहुत ही ईजिली उनको बायोग्राफी लिखने के लिए मटेरियल मिल चुका था। 3 distinct parts of biographies. Johnson divided his biographies into 3 parts. Johnson जो है इस biography को लिखने के लिए हर biography में 3 part divide किए थे। पहला a narrative of the poet's life, पहले part में इन्होंने poets के lives के बारे में लिखा था। दूसरा a presentation of his character, और दूसरे में इन्होंने उनके characters के बारे में लिखा था। तीसरा a critical assessment of his main poems, और तीसरे में इन्होंने उनके works के बारे में लिखे थे। He adopted this method not because he failed to perceive relationships between a poet's life and his works. और ऐसा नहीं है कि जोसेफ ने इस बायोग्राफी वर्क को 3 पार्ट में डिवाइड किया क्योंकि वो उनके लाइफ और वर्क्स को मिक्स करके नहीं लिख सकते थे, बट बिकॉज ही डिड नॉट थिंक दैट अ गुड पोइट वॉज नेसेसरीली अ गुड मैन। पर जोसेफ का ऐसा मानना था कि ज़रूरी नहीं है कि जो जिनके राइटिंग्स अच्छे हैं, जिनके वर्क्स अच्छे हैं, जिनके पोएम्स और नॉवेल्स अच्छे हैं, वो इंसान भी अच्छे हों, इसलिए इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। तो हमारा आज का ये क्लास यहीं ख़त्म होता है। ये लास्ट पेज में मैंने बस उन 52 पोइट्स के नाम लिखे हुए हैं जिनका डिस्कशन इस बायोग्राफिकल वर्क में किया गया है, तो आप बस इसमें एक आंख दौड़ा सकते हैं क्योंकि ये याद करना पॉसिबल नहीं है और ना ही इतना क्वेश्चंस आता है। तो मेन जो टॉपिक्स था वो पिछले पेज तक ही था। आपको मेरी वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। किसी भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिख दें। अगर आपके सिलेबस की हो और वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो, तो भी मुझे कमेंट्स में बताएं, अच्छा लगेगा। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।